नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है, अब यूपीएससी प्री एग्ज़ाम स्थगित करने की मांग। एडवोकेट ने आयोग को लिखा पत्र। तो जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है कि अब यूपीएससी प्री एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन कराने के लिए एडवोकेट साहब ने आयोग को लिखा है पत्र। अभी आप लोग देख लीजिए, आईआईटी जे नीट को पोस्टपोन कराने के लिए सारे न्यूज चैनल और लीडर्स, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सभी लोग सामने आ चुके हैं। क्योंकि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के लिए ये बहुत बड़ी मुद्दा है। जैसे नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हों, ऐसे स्टूडेंट की मन की बात को लेकर काफ़ी सभी लोगों ने ट्विटर पे जाके ट्वीट किया कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। क्योंकि लगातार कोरोना के केस बढ़ने के कारण सभी लोगों अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित है, और एग्ज़ाम में कंसंट्रेट न कर पाने की वजह से ये लोग काफ़ी परेशान है और एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराना चाहते हैं। तो गाइज़, मेरा चैनल एग्ज़ाम स्टोर, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। आपके एक सब्सक्राइब मात्र से एग्ज़ाम स्टोर के प्रति आपका प्यार और भी बढ़ जाता है, और एग्ज़ाम स्टोर आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट देता रहता है। तो प्लीज़ एग्ज़ाम स्टोर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई भी कीमती सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं। देखिए ऊपर लिखा है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को होनी है। वहीं देश में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के बाद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव ने यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर परीक्षा स्थगित करने का आग्रह किया है। पत्र में लिखते हुए एडवोकेट अलख ने कोविड-19 की बढ़ती संख्या की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि अब 24 घंटे में 69,000 कोविड-19 केस आ रहे हैं। वहीं वर्तमान में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से कई वर्तमान में कोविड योद्धाओं के रूप में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ की भी स्थिति है, ऐसे में वहां के उम्मीदवार कैसे परीक्षा हिस्सा लेंगे। जैसे अभी आप मान लीजिए बिहार में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ उफान पर है, वहाँ लोग अभी दिनचर्या के लिए परेशान हैं, उन लोगों के लिए भोजन नहीं मिल पा रहे, तो वो लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे, किस प्रकार प्रिपरेशन करेंगे। ये स्थिति गंभीर है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इस साल बड़ी संख्या में सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों के शामिल होने की भी संभावना है। ऐसे में अक्टूबर महीने में सिविल सेवा परीक्षा केंद्रों में इतनी बड़े पैमाने पर परीक्षा होने के कारण कोविड-19 मामलों के तेज़ी से बढ़ोतरी होने की भी क्या है, आशंका है। हाल फिलहाल में अभी देखिए एक दो एग्ज़ाम हुए, उसमें भी कोविड-19 के जितने भी स्टूडेंट थे वो लोग भी पहुंच गए थे। जो लोग वो बोल रहे थे उनके संपर्क में आया है, वो लोग भी अपनी जांच करा ले, क्योंकि उन लोग कोरोना पॉजिटिव पाया गया था इस साल। ऐसे में एडवोकेट अलख ने यूपीएससी सिविल सेवा के उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व के रूप में परीक्षाओं को स्थगित करने का अनुरोध किया है। ये पत्र उन्होंने 20 अगस्त को यूपीएससी के अध्यक्ष को भी लिखा था। एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव भारत के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। वह सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी मामले के छात्रों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और नीट जेई मेन 2020 परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए भी याचिका करता है थे। उन्होंने हाल ही में पीएमओ को एक पत्र लिखा जिसमें जेई नीट 2020 की परीक्षाओं को स्थगित करने का भी अनुरोध किया था। हालांकि अब जेई नीट की परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी मिल गई है। परीक्षा अगले महीने यानी सितंबर में होने वाली है। अभी देखिए उसके बारे में लगातार चर्चा चल रहा है। आज के न्यूज़ चैनल में मैंने देखा लगातार नीट को पोस्टपोन कर दिया जाए, जेई नीट को एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। तो गाइज ये रही ओवरऑल न्यूज़। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।